rectangle bar 16 meter long and 40 meter wide, has two concrete road running in the crossroad running in the middle of the park. देखो भाई क्या क्या रहे, 60 मीटर लेंथ है, 40 मीटर वेथ है. क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है, ये जो पार्क के अंदर ना ऐसा रोड होता है, ठीक है, ये घूमने वाला पूरा रोड क्रॉस रोड प्लस की शक्ल में बिल्कुल जनाब ये है, ठीक है. आगे क्या कह रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज एज अ लॉन. रेस्ट ऑफ द पार्क यानी पूरे का पूरा क्या है, लॉन है. इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज 2109, ये पूरा 2109 है, देन व्हाट इज विड्थ ऑफ द, ये विड्थ कितनी होगी रोड की ना, ये पूछ रहे हैं, ठीक है. अब देखो जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, पहले तो 60 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 2400, ये पूरा एरिया आ गया. अच्छा जी, फिर जो लॉन का एरिया है ना पार्क के अंदर, ये वाला, ये जो 4 स्क्वायर है, ये भी दिया हुआ है 2109. तो ये जो पूरा क्रॉस रोड है ना, इसका एरिया आ गया कितना, आ गया 291 आ गया भाई. क्या मसाइल हल हो गए, नहीं हुए मसाइल हल नहीं हुए, हमें ना इसकी विड्थ चाहिए. अब ध्यान से देखो बच्चों, ये लेंथ 60 है ये वाली ना, अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस रोड को मैं एक्स मान लूँगा, तो 60x हो जाएगी ये पूरा एरिया, और इस वाली ये 40 है, इसको मान लो 40x. लेकिन ध्यान से देखो ये जो पार्ट है ना, ये एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा काउंट हो रहा है. मैं इसमें करते गए डबल काउंटिंग, हमेशा माइनस हो जाती है भाई. 60x प्लस 40x या 291 होगा, नहीं जनाब हो जाता अगर ये मसला नहीं होता, ये दो बार काउंट हो रहा है. तो हमने चूँकि x माना है, तो इतने एरिए को ना देखो, ये 60x, ये 40x, ये x का स्क्वायर. अब मैथ्स के रूल के वजह 60 और 40 तो 100 हो गए, ये x का स्क्वायर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. अब हम ऑप्शन में देखेंगे, 3, 4, 5, 6 ये सारे ऑप्शन दिए हुए थे बच्चों. यहाँ ध्यान से देखो ये क्वेश्चन आ गई, x की जगह 3 पुट करना है. तो देखो बेटा ये 3, 291 है, किसके करीब है, 300 के. 300 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 4, 5, 6 को बजाय चेक करने के हम 3 को चेक करेंगे. 300 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2, 91. ऑफकोर्स आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ